आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास व उत्थान के लिए बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना की गई है और उसमें सरकार का लोगों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर और साथ ही साथ जो चिकित्सकीय बजट है उसकी प्राथमिकता को तय करने तक महत्वपूर्ण भूमिका रहती, लेकिन उस बजट की घोषणा के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन और एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि उस बजट का जो हम घोषणा कर रहे हैं धरातल तक क्रियान्वयन हो जाए और नीचे तक के लोगों को उसका लाभ मिले, ये प्रयास बजट की घोषणाओं से पूर्व तय कर लेना चाहिए। हम जैसा देखते आ रहे हैं कि तीन बार से बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई जो अभी तक धरातल पर नजर आती नहीं। सभापति महोदय, जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को झकझोर दिया और लगभग इस कोरोना महामारी से विश्व के 50 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे और आज भी बहुत सारे पोस्ट कोविड से पीड़ित होकर परेशान, हमारे देश और प्रदेश में भी कोरोना महामारी का तांडव जिसमें लाखों लोग संक्रमित हुए और बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई, परिवार के परिवार तबाह हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, परंतु केंद्र सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों में बहुत सूझबूझ के साथ सार्थक प्रयासों के चलते कुशल प्रबंधन को एग्जीक्यूट करते हुए कोरोना महामारी को वर्तमान में नियंत्रण की ओर ले जाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है और उनका सराहनीय प्रयासों को संपूर्ण विश्व के देशों ने माननीय सभापति महोदय सराहना की। हमारे प्रदेश में भी हमने इस कोरोना के काल को देखा है, उस पीड़ा को हमने महसूस किया है, लेकिन उस समय भी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के प्रदेशवासियों को खुले दिल से जिसको जो आवश्यकता थी, जब चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता थी या ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, अन्य आर्थिक अपेक्षाएं थी, दवाइयों की आवश्यकता थी, हमारे प्रदेश में उपलब्ध कराए। और ये नहीं सभापति महोदय, वैक्सीनेशन निशुल्क कराकर पूरे प्रदेशवासियों को आज बिना मास्क के हम सब लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं एक संकट मोचक की भूमिका रूप के रूप में हमारी केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका को निभाया। लेकिन अब इस कोरोना महामारी का खतरा गया नहीं, नए वेरिएंट के रूप में ये हमारे सिर पर एक खतरा मंडरा रहा है। सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि हमने वो जो रूह कपा दाने वाला दृश्य दूसरी पीक में देखा था, जिसमें हमारी सरकार और सब हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए थे और अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तो मैं सरकार को आगाह करता हूं आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अभी भी दूसरा वेरिएंट कभी भी प्रभावी हो सकता है। राजस्थान में चिकित्सक तंत्र को तो वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर जरूर आप लोग अपनी पीठ थपथपा लेते हो, लेकिन बड़ी आवश्यकता है कि आज
इस चिकित्सकीय तंत्र को निचले स्तर तक सुदृढ़ चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से लैस करने की माननीय सभापति महोदय प्रभावी कदम उठाने होंगे और सरकार प्रयास करना होगा कि प्रदेश के आमजन को चिकित्सा में राहत भी मिले और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं दायित्व भी है। प्रदेश में आज मात्र 53,000 से लेकर 54,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर 9 करोड़ लोगों का इलाज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि चिकित्सक और होने चाहिए, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये तय करके कि और मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए। छोटे मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 100 छात्र संख्या है, बड़े मेडिकल कॉलेज में 250 छात्र संख्या है, तो इसमें संख्या को हम बढ़ा सकें, राजस्थान में और चिकित्सक हम बना सकें, इसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। आज जिस तरीके से निरोगी राजस्थान का संकल्प 2021-22 में सरकार ने लिया था, वो संकल्प बेबुनियाद निकला, सिर्फ कागजी संकल्प निकला। राजस्थान प्रबंध कोष की आपकी 100 करोड़ की घोषणा सिर्फ प्रचार प्रसार और संगोष्ठियों में सिमट कर रह गई। प्रत्येक संभाग पर आपने वादा किया हेल्थ कॉलेजेस बनाएंगे, ये घोषणा भी आपकी कहीं फलीभूत होती हुई नजर नहीं आती। कोरोना में जिन सरकारी कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए आपने जो मुआवजे की घोषणा की थी उसमें 120 शिक्षक और 118 विद्युत कर्मियों को आप कोरोना वॉरियर मानने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली की तर्ज पर आपके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत, कुछ मोहल्ले में खिले बंद हो गए। कोटा में जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई थी, अभी वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी, कोई कार्य सौर नहीं हो पाया है। पुरानी बजट घोषणाओं को तो आप साकार रूप नहीं दे पाए। 2022-23 में घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया। चुनाव से पूर्व संविदा कर्मियों को आज भी बेचारे मीटिंगों तक समाप्त करें, माननीय तो रहे हरे साहब एक दो मिनट तो और समाप्त करें, बस कर रहा हूँ सर। जितेंद्र सिंह, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार आज प्रदेश में बच्चों को जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ की हम स्थिति देखें, उसके प्रति साहब एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ सभापति महोदय, एक मिनट। जिस तरीके से जन्मदात्री माँ 3200 छोटे अस्पतालों में मात्र 2000 अस्पतालों में प्रसव सुविधा है, सालाना 25,000 नवजात शिशु मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं सिर्फ कुपोषण के कारण, और उनकी प्रसव पूर्व जांच न मां की प्रसव पूर्व जांच न होने के कारण ये 25,000 बच्चों की दर जो है ये 30% दर है हमारे माननीय सभापति। एक मिनट में कर रहा हूँ, कितनी होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह? माननीय सभापति महोदय।